हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम दैट्स नेम इज टॉपसी टर्वी लैंड। जो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उस पोएम का नाम क्या था? टॉपसी टर्वी लैंड। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लेट्स राइट फाइव थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन। उन पांच चीज़ों का नाम लिखिए जो आप अपने घर पे करते हैं, अपने घर को क्या करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए। तो आप कुछ और भी करते होंगे, लेकिन फिर भी हम एक यहाँ पे मॉडल आंसर दिखा रहे हैं। आप इसको देख करके ऐसा और भी सेंटेंस क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। सो लेट्स सी हियर, आई अरेंज माई बेड एवरी मॉर्निंग। मैं अपने हर सुबह अपने बेड को क्या करता हूँ, अरेंज कर देता हूँ, व्यवस्थित कर देता हूँ। नेक्स्ट है क्लीन माई हाउस एवरी डे, अपने घर को प्रतिदिन साफ करता हूँ। नेक्स्ट है कीप माई बुक सेल्फ अरेंज, अपने बुक सेल्फ को अरेंज करता हूँ, व्यवस्थित करता हूँ। मीन्स जिस सेल्फ पे हम अपनी क्या बुक्स रखते हैं उसको अरेंज करते हैं। पर डे हम जब पढ़ते हैं तो बुक्स निकालते हैं, इधर उधर हो जाता है, फिर वो बुक्स जहाँ की है उसको वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। नेक्स्ट है समटाइम्स स्वीप द फ्लोर ऑफ माई स्टडी रूम, कभी कभी मैं अपने स्टडी रूम के फ्लोर को स्वीप मीन्स झाड़ू लगा देता हूँ। नेक्स्ट आई ऑलवेज कीप माई शूज इन द शू रैक आफ्टर यूज, मैं अपना शूज़ यूज करने के बाद शू रैक में क्या करता हूँ, रख देता हूँ। तो इससे ये मतलब ये सारी चीज़ें होगी, जो चीज़ जहाँ की है वहाँ रख देने से हर चीज़ व्यवस्थित रहती है, कोई चीज़ एक स्कैटर फॉर्म में नहीं होता है, तीतर बीतर नहीं होता है। और फिर जब हम उसको क्या करते हैं, खोजते हैं, तो फिर वो चीज़ वही मिल जाती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, खोजते हैं। तो ऐसा हमें भी करना चाहिए। एक मॉडल आंसर दे दिया गया है। हो सकता है कि आप अपने घर पे कुछ अलग करते हो, तो आप जो करते हैं वो यहाँ पे क्या कीजिए, लिखिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट्स इमेजिन टॉपसी टर्वी सीन। आप टॉपसी टर्वी सीन को इमेजिन कीजिए। हमने चैप्टर को पढ़ा है और पढ़ने के बाद उसमें देखा है कि हर चीज़ उसमें उल्टा होता था। जो जैसे कि हम सर पे टोपी लगाते हैं तो पैरों पे लगाते हैं, वो हमारे यहाँ बस रोड पे चलती है तो उनके वहाँ समुद्र में चलती है, तो सब कुछ उल्टा होता है। ऐसे ही हमें कुछ इमेजिन करना है टॉपसी टर्वी लैंड्स के बारे में और क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे एक हम मॉडल आंसर आपको दे रहे हैं, लेकिन आप और भी कुछ अलग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं और सोच के लिख सकते हैं। दिस आंसर में वेरी फ्रॉम मी, ये आंसर मुझसे क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है, मीन्स अलग हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे मैंने लिखा, वन डे व्हेन आई वाज स्टडिंग लेट नाइट, एक दिन जब मैं लेट नाइट स्टडी कर रहा था फॉर माई एग्जाम्स, अपने एग्जाम के लिए, आई सा दैट द बुक्स वर फ्लाइंग इन माई रूम, मैंने देखा कि बुक्स क्या हो रही थी, उड़ रही थी इन माई रूम। द लैम्प्स वाज सिंगिंग, जो लैम्प थे वो गा रहे थे एक मेलोडियस सॉन्ग गा रहे थे। सडनली द लाइट्स स्टार्टेड ब्लिंकिंग, अचानक जो लाइट थी वो ब्लिंकिंग करना शुरू कर दी। एंड देयर वाज रेन आउटसाइड, और बाहर क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। आप इसमें देख रहे हैं, इसमें भी जितना मैंने लिखा है सब कुछ उल्टा हो रहा है, किताबें उड़ रही हैं और लैम्प क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। सडनली द लाइट्स स्टार्टेड ब्लिंकिंग, लाइट अब ब्लिंकिंग करना शुरू कर दिया, जिससे मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं है, मतलब ऐसा हो ही हो, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, सब नॉन लिविंग थिंग्स है। द टेबल वाज रनिंग आफ्टर द चेयर, टेबल और चेयर एक दूसरे के पीछे क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। द चेयर वाज प्लेइंग गिटार, और चेयर क्या कर रहा है, गिटार बजा रहा है। द टॉपसी टर्वी सीन ब्लू माई माइंड, टॉपसी टर्वी सीन ने मेरे माइंड को क्या किया, ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग भी सोच सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ आप भी वैसा सोचें, आप कुछ अलग कल्पना करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, टू स्टोरीज गॉट मिक्सड अप, यहाँ पे दो कहानियाँ क्या हुई हैं, मिक्सअप हो गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पे रेड कलर के जो बुलेट्स पॉइंट दिए गए हैं वो सेंटेंसेज हैं टू स्टोरीज के, जो दो स्टोरी के सेंटेंसेज हैं हमें उनको पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद और जो अप्रोप्रिएट सेंटेंसेज है उस स्टोरी में हमें उसको पुट करना है। मीन्स वो भी सीक्वेंस में पुट करना है कि फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। तो इस तरीके से हमें एक तरीके ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जंबल सेंटेंस है, और जंबल सेंटेंस को एक सही सीक्वेंस में हमें उसको क्या करना है, लगाना है।
सॉर्ट देम आउट एंड राइट देम इन अप्रोप्रिएट बॉक्स। नीचे दो बॉक्स दिए गए हैं, एक है मैजिक काइट का और द मैजिक काइट, और दूसरा है हु डिड द लायन ईट, ये दूसरा टाइटल है। ये दो स्टोरी है और इन दोनों स्टोरी में हमें अप्रोप्रिएट सेंटेंस को सॉर्ट आउट करके यहाँ पे लिखना है। हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, तो हम आपको दिखा रहे हैं मॉडल आंसर में। जैसे लिखा है पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। पूरन जो था एक न्यू ब्रांड काइट को उड़ा रहा था बगीचे में। सडनली द काइट लिफ्टेड हिम अप द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स। अचानक उस पतंग ने उसे उड़ा ली ऊपर जमीन से एंड टुक हिम, और उसे ले गई ओवर द ट्री टॉप्स। ट्री टॉप्स मीन्स पेड़ के ऊपर। पूरन वाज फ्राइटेड, पूरन क्या हुआ, डर गया एंड एक्साइटेड, और वह उत्तेजित था। तो ये तीन सेंटेंस इस स्टोरी के थे, तो इससे हमने क्या किया, इसको सॉर्ट आउट करके यहाँ पे पुट कर दिया। और जो नेक्स्ट रेस्ट बचते हैं वो सब इसके थे, और यहाँ पे हमने क्या किया, रख दिया। जैसे यहाँ पे लिखे हैं आवर क्लास हैड गॉन टू द जू। हमारा क्लास कहाँ गया था, चिड़ियाघर गया था। ही सा ए शूज इन द लायंस केज। उन्होंने लायंस के केज में यानी शेर के पिंजरे में क्या देखा, शूज देखा। वी थाट द लायन हैड ईटन समवन, और उन शूज को देखकर हमें ऐसा लगा कि शेर ने किसी को क्या किया है, खा लिया है। सम चिल्ड्रेन स्टूड, कुछ बच्चे खड़े हो गए एंड स्क्रीम्ड, और वो चिल्लाए। एंड सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू, कुछ जो चिड़ियाघर का डायरेक्टर थे उनके पास भागे, उनकी तरफ भागे। द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन, लायन ने किसी को नहीं खाया है। बिकॉज सूज वाज वन ऑफ द लायंस टॉयज, जो सूज है वो लायन का एक क्या है, टॉयज है, मीन्स वो खिलौनों में से एक है। तो ऐसा वहाँ पे है। तो किसी ऑब्जेक्ट को देख के हम कुछ और भी सोच सकते हैं, जब उसका राइट एक्सप्लेनेशन जानेंगे तब हमको पता चलेगा कि आई वाज राइट और रॉन्ग, मैं सही था या गलत था। तो इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन आंसर क्या किया। आप इसे देखिए, करिए और इसका एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।